कृष्ण के समन्वय बताया, कृष्ण के पामांग से राधास्थली में राधा के प्रकट होने पर रात माने अनुराग पूर्वक भाव कृष्ण के प्रति भावित। कृष्ण आराधिता इति राधा, कृष्ण के द्वारा जिनकी आराधना होती है वह सुप्त भाई कृष्ण राधा। और कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं स्वयं कहाँ है वो समय में वर्णन किया है, अगर दुरपी जपना सत्य प्रसाद कृष्ण की कृपा कटाक्ष राधा जी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए त्रिशाम राधा कुंड में स्नान कर और राधा जी का मंत्र जपते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं राधा कुंड पर, इसलिए वो राधिका हो कृष्ण को आह्लाद ताकि नाम राधे कृष्ण की आराधना करके कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। कृष्ण स्वयं कुछ नहीं कर पूर्वी में गिरिराज धारण कौन करते हैं शक्ति राधा देखते हैं जैसे दृष्टि शक्ति किसी के ऊपर में कृपा करते हैं कृपा शक्ति ये शक्ति का मूल आधार है। इसीलिए कहते हैं आनंदम से राजनी सतम से संधि से संधि जाय परी माने ये राधा के लिए सब विशेष है। यदि राधा जी न रहे शक्ति न रहे तो कृष्ण जैसे देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण के हवाले या जो कुछ होता है सृष्टि प्रलय संहार इत्यादि इसी प्रत्येका करते हैं वात्सल्य भाव सब में राधा जी की कृपा है। असुरों को संहार करने में किसी पर दया करने में सब में राधा जी की कृष्ण इच्छा करेंगे बात और उनकी सारी इच्छाओं को सारी मनोकामनाओं को राधिका जी से शक्ति द्वारे सुख आस्था से आप और कृष्ण उन्हीं के माध्यम से सारे कष्टों का आस्वाद सुख कृष्ण करे सुख आस्वाद कृष्ण सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है आनंद ब्रह्मा और स्वास्थ्य करते हैं किंतु मूल कारण उसका आनंद रहा जो आस्वादन करते हैं मूल कारण क्या है उनका स्वरूप क्या है राधेय सार सार अंत सार प्रेम नाम राधेय का विचार राधेय शक्ति है उसका सार उस सार का नाम प्रेम है और आनंद की मैं दुख और रस आख्या प्रेम रस परम सार प्रेम का भी महासार महाभाव है से ही महाभाव राधा का ज्ञानी से ही महाभाव रूपा प्रेम का सार महाभाव महाभाव का सार राधा रानी का प्राणी है। प्रेम स्वरूप देख राधा जी के स्वरूप उनका देख कहता है प्रेम स्वरूप प्रेम का स्वरूप देख प्रेम की भावी प्रेम के द्वारा ही की भावित है। जैसे दुख है कर्म और इसको कुछ दे दिया जमाव बन गया गरीब मूर्त रूप तो राधा जी का शरीर राधा जी का मन राधा जी का भाव
उनके अंग प्रत्यंग जो कुछ है कृष्ण विभावित प्रेम विभाग उसी से बना हुआ है। प्रेमी मूर्ति नाम हो करके से राधा जी बना, वो प्रेम का किसी का प्रति जो प्रेम है वो विभावित हो करके कृष्ण प्रयास जगत कृष्ण की प्रेषा। असल में दुर्गा कोई है ही नहीं, जितनी राधिका जी की शक्तियां हैं या तो राधा जी की कैद है उनके प्रकाश है या वैभव है या किसी न किसी रूप में, इसलिए दूसरा नहीं है। ये प्रेम विलास के लिए राधा जी निश्चित होकर के इतनी कोटि कोटि गोपियों के रूप में और वही द्वारका के महिषियों के रूप में वही नारायणी के रूप में वही जिसमें हमारी शक्तियां हैं सब शक्तियों के रूप में राधा जी ही प्रकाश जिसे केवल जैसे कृष्ण ही एक रूप में है सब में वैभव रूप में अवतार सब कुछ ऐसे रहा है। आनंद के मैं रस प्रतिभा निवशक्तिलात्मभूत गोविंद तमहं यही महाभाव है चिंता मुनिचार कृष्ण वंशा पूर्ण करे यही कार्यता वही जो महाभाव होता है। कौन महाभाव प्रेम का सार महाभाव और महाभाव से उनका राधा का प्राणी है वही महाभाव। महाभाव को समझने में बहुत कठिन है विषय का अंतिम सीमा और विषय की अंतिम वृत्ति समृद्ध वृत्ति और वो भी राधिका के गम्य जो भाव है कृष्ण उसका उज्जवल जी मणि त्यागी ने बहुत सुंदर सरस वर्णन किया। क्या याद है क्या याद है जावदास से वृत्ति स्वसंवेद दशा माने क्या तो राजा की कई वेद्य है और किसी को विषय का वेद्य है कृष्ण का भी वेद्य नहीं ये कृष्ण पंचा पूर्ण करे एक कार्य का कृष्ण की इच्छा को परिपूर्ण रूप से पूर्ण करना है उनका कार्य है महाभाव चिंता राधा स्वरूप ललिता ने सभी तारकायद्यूर जो हमने बताया चिंतामणि महाभाव चिंतामणि से जो कुछ मांगो वो दे दी तो कृष्ण जो कुछ इच्छा करते हैं राधा जी के निकट जो कुछ भी इच्छा करते हैं वो सभी उन्हीं के लिए कृष्ण के लिए ये कार्यों के रूप में ललिता के साथ इत्यादि कितना चीज सरकार प्रधान भाव है वो किसके किसके लिए कृष्ण की एक एक भाव को परिपूर्ण कर तो राधा जी चिंतामणि के समान जो कुछ कृष्ण चिंता करते हैं और वो पा लेते चिंतामणि कृष्ण को नहीं करता है नहीं कर सकते वहां को कह रहे हैं यहाँ जोड़ करके न पा रहे हम मेरे वक्त राधा जी उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण कर ललिता जी सब राधावती कृष्ण स्ने अब राधिका जी का जो स्वरूप है उसको रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन किया है राधावती।